ये पहले दो शेर जो है वो नाथ शरीफ के शेर हैं, क्योंकि आजकल चलन से चल गया है कि इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ दिया है, जबकि इस्लाम एक अमन और सलामती का पैगाम लेके आया था। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमत आलम बना के भेजे गए थे दुनिया के लिए। तो मुलाजा कहने से हज़रत अर्ज करता हूँ कि बारूद से, गोली से, न तलवार न बम से, बम का काफी मानूस है लेकिन आज के जमाने का तर्क है, बारूद से, गोली से, न तलवार न बम से, बारूद से, गोली से, न तलवार न बम से, इस्लाम को फैला है मोहम्मद के करम से। बारूद से, गोली से, न तलवार न बम से, इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। और अब्दुल वसी साहब ये नाते पाके रसूल का एक अंदाज देखिएगा, अर्ज करता हूँ कि तैबा की खजूरों के एवज हम नहीं लेंगे, तैबा की खजूरों के एवज हम नहीं लेंगे, पाए कोई मेवा भी अगर बागे हरम से। तैबा की खजूरों के एवज हम नहीं लेंगे, पाए कोई मेवा भी अगर बागे हरम से। और शेर है, इससे अलग एक मतलब है और एक शेर है कि हमारे जैसे दीवाने तेरी दुनिया में कम होंगे, हमारे जैसे दीवाने आपकी नजर कर रहा हूँ कि हमारे जैसे दीवाने तेरी दुनिया में कम होंगे, मोहब्बत भी करेंगे और शर्मिंदा भी हम होंगे। हमारे जैसे दीवाने तेरी दुनिया में कम होंगे, हमारे शुक्रिया, हमारे जैसे दीवाने तेरी दुनिया में कम होंगे, मोहब्बत भी करेंगे और शर्मिंदा भी हम होंगे। और ये शेर नई नस्ल के लोगों के नाम है कि नई नस्लों को उनकी ख्वाहिशों की राह पर छोड़ो, नई नस्लों को उनकी ख्वाहिशों की राह पर छोड़ो, अगर पाबंदियाँ हट जाएं शायद जुर्म कम होंगे। नई नस्लों को उनकी ख्वाहिशों की राह पर छोड़ो, नई नस्लों को उनकी ख्वाहिशों की राह पर छोड़ो, अगर पाबंदियाँ हट जाएं शायद जुर्म कम होंगे। और दो तीन शेर माँ की ज़ात मुक़द्दस के नाम जो हर एक को प्यारी होती है और हर एक के लिए होती है, बड़ा सरमाया और नेमत है। अर्ज क्या है कि सहरा में यूँ लगा, मुलाजा की है, सहरा में यूँ लगा कि कोई साथ साथ था, सहरा में यूँ लगा कि कोई साथ साथ था, देखा तो सर पर माँ की दुआओं का हाथ था। सहरा में यूँ लगा कि कोई साथ साथ था, देखा तो सर पर माँ की दुआओं का हाथ था, देखा तो सर पर माँ की दुआओं का हाथ था। और अर्ज किया है कि न तो वो है न वो माओ की तरह लगती है, न तो वो है न वो माओ की तरह लगती है, मेरी माँ अपनी दुआओं की तरह लगती है। न तो वो है न वो माओ की तरह लगती है, मेरी माँ अपनी दुआओं की तरह लगती है, मेरी माँ अपनी दुआओं की तरह लगती है। बड़े गजल के चंद शायद और ज़्यादा चाहूँगा कि अर्ज किया है रोज़ अखबार में किस्मत का लिखा पढ़ो, रोज अखबार में किस्मत का लिखा पढ़ पढ़ कर लोग अब घर से निकलते हैं दुआ पढ़ पढ़ कर, लोग अखबार रोज अखबार में किस्मत का लिखा पढ़ पढ़ कर लोग अब घर से निकलते हैं दुआ पढ़ पढ़ कर, और देख कर तुझको ये एहसास हुआ है मुझको, देख कर तुझको ये एहसास हुआ है मुझको, किस्मत लिखता है चेहरों को खुदा पढ़ पढ़ कर, देख कर तुझको ये एहसास हुआ है मुझको, किस्मतें लिखता है चेहरों को खुदा पढ़ पढ़ कर। और शेर करें कि कैसे आसिब ने इस शहर को आ घेरा है, कैसे आसिब ने इस शहर को आ घेरा है, लोग देते हैं दवाएं भी दुआ पढ़ पढ़ कर, लोग देते हैं दवाएं भी दुआ पढ़ पढ़ कर, और हम वो तहरीर लिखा जिसने तेरे, हम वो तहरीर जिसे लिखा तेरे हाथों ने, हम वो तहरीर जिसे लिखा तेरे हाथों ने, मत हमें छोड़ तू अपने से जुदा पढ़ कर। और बस गई उसमें, ये शेर भी नात का पहलू लिए हुए कि बस गई उसमें ये किस पाक बदन की खुशबू, मुलाजा कह रहे कि बस गई उसमें
ये किस पाक बदन की खुशबू आती है बाद सभा चल अल्लाह पर आती है बाद सभा चल अल्लाह पर और हमने हक के लिए जान देने का फल सीखा है हमने हक के लिए जान देने का फल सीखा है पिसे मार गए कर को बड़ा पटवर कर वाह वाह हमने आपके लिए जान देने का फल सीखा है पिसे कर पिसे मार गए कर को बड़ा पटवर कर और आज के दौर के सफाक चरण वाले हम माफ चाहे आज के दौर के सफाक चरण वाले हम दम है तस्करे मेरे वफा पर दम आज के दौर के सफाक चरण वाले हम दम है तस्करे मेरे वफा पकड़ कर और मुखदा है कि दिल भी खिंचता है गुनाहों की तरफ आबिद का दिल भी खिंचता है गुनाहों की तरफ आबिद का डर भी लगता है गुनाहों की सजा पर पड़ कर बहुत सच्चा शेर है।